जी, वैसे तो मेरा नाम गदाधर शास्त्री है, लेकिन बचपन में पिताजी प्यार से गदा गदा कहा करते थे, पर नाम कुछ इतना बिगड़ा कि लोग गधा कहने लगे। वैसे आप जो मुनासिब समझे कह सकते। बड़े दिलचस्प आदमी है आप। जी हाँ, शुरू शुरू में तो लोग मेरे बारे में कुछ ऐसा ही सोचते। ठीक है मास्टर जी, अब आप अंदर जाइए। हाँ राम प्रसाद जी, घर में तो सब कुशल है। जी हाँ। सीता भाभी कहीं है? अच्छी है। ये नमस्ते। जीते रहो जीते रहो। और मेरा नाम गौरी है। ओ जुग जुग जियो जुग जुग जियो। बेटा तुम्हारा क्या नाम है? मेरा नाम गोपाल है। और मेरा नाम राधा। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। 4 साल हुए इसकी मार चल पड़ी। अफसोस, इसके बाद बहुत से लोग दहेज लेकर मुझसे रिश्ता करने आए, लेकिन मेरी बराबरी का कोई नहीं था, मैंने मंजूर नहीं किया। अब यही मेरा संसार। वक्त हो गया, अब मुझे जाना चाहिए। चलो चलो। जी मास्टर जी, वक्त तो होता ही रहेगा। गांव अपना है, स्कूल अपना है, यहाँ हर तरह की आजादी। आजादी के बाद इंसान की जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। नहीं दूंगा। अरे अरे अरे, ये क्या हो रहा है? किसका है ये बाजा? बैठ जाओ। मास्टर साहब, ये बातों से नहीं लातों से मानने वाले जीव है, ये है इनका इलाज। बच्चों को सुधारने के लिए इस इलाज की जरूरत नहीं, उनको प्रेम से समझाकर पढ़ाया जाता है, उनको अच्छा नागरिक बनाया जाता है, तभी वो अपने देश का नाम रोशन करते हैं। क्यों बच्चों, ठीक है ना? ये लीजिए। ये क्या है? हाजिरी की किताब। अपनी हाजिरी भर चुका हूँ, अब जाता। कहाँ? यहाँ की हाजिरी के बाद भैरव प्रसाद की हाजिरी देनी पड़ती है। क्यों? उनका बही खाता लिखना पड़ता है। तभी स्कूल का ये हाल है। सरकार आपको तनख्वाह स्कूल मास्टरी के लिए देती है या मुलीमगिरी के लिए? ये तो मैं भी जानता हूँ मास्टर साहब, लेकिन भैरव प्रसाद इस स्कूल का प्रेसिडेंट, उसका खाता ना लिखूं तो मास्टरी नहीं चले, मास्टरी नहीं चले तो पेट नहीं चले। कमबख्त ने मेरी 6 महीने की तनख्वाह रोक रखी है। और आप खामोश हैं? आज ही दरखास्त दे दीजिए, बाकी की कार्रवाई मैं करता हूँ। आपका भला हो। भैरव प्रसाद की उम्र भी भगवान आपकी उम्र में जोड़। तो तुम्हारे करण अवतार राम प्रसाद जी बच्चों को किताबें बांट रहे हैं, उनकी फीसें माफ कर रहे हैं, और उन्होंने तुम्हें मेरी यहां काम करने से रोक दिया। गदाधर, चींटी की जब मौत आती है तो उसके पर निकल आते हैं। ठीक है सरकार, वक्त बुरा आता है तो अकल भी आदमी का साथ छोड़ दे। बाबा बाबा, हमारे हेडमास्टर जी आ रहे हैं। है? अरे हाँ, अपनी फूफी से कहो कि चाहे जल्दी से तैयार कर। अच्छा बाबा। आइए आइए माँ। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। देखो बैरागी, अंदर कोई ना आने पाए। हाँ समझ गए? समझ गया सरकार। हाँ चलिए। हाँ। तुम भी अंदर आओ। बिराजिए। आपकी उम्र पूरे 100 साल है मास्टर जी, बुलाने ही वाला, अच्छा हुआ आप आ गए। जनता की सेवा करते करते थक गया। सौभाग्य की बात है, जनता ही तो जनार्दन है। तब तो आपको मेरी मदद करनी होगी। कैसे? अब के चुनाव में मेरा साथ। एक मास्टर का चुनाव से क्या वास्ता, मेरे लिए सब बराबर है। मेरा साथ दोगे तो रेशम पहनोगे रेशम। धन्यवाद, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। मैं इसलिए आया था
आपने गदाधर जी की 6 महीने की तनख्वाह क्यों रोकी है? क्यों जी, मैंने तुम्हारी 6 महीने की तनख्वाह रोकी है? सरकार, ये तो 2 महीने पहले का हिसाब है, अब तो मेरी तनख्वाह 8 महीने की हो गई है। क्या बकता है मास्टर जी, ये झूठ है। झूठ तो रसीद बुक दिखाइए। रसीद बुक और तुम्हें दिखाऊं? राम प्रसाद, हैसियत देखकर बात करो। रसीद बुक देखना मेरा फर्ज है, अगर नहीं दिखाई तो मैं ये केस आगे भेज दूंगा। अबे जा जा, 3 दमड़ी का मास्टर धौस देता है। अबे ओ भांजा, अबे ओ गधे। क्या है बिटिया? मैंने बच्ची लाइन में देर कर दी और पढ़ाई करने में बहुत देर हो गई। क्या शिकायतें हो रही हैं अपने बाबा से? सीता, अपनी सफाई पेश करो, बत्ती देर से क्यों जलाई? बत्ती तो वक्त पर जली थी, लेकिन मैं वो 20 रुपये ढूंढने में लग गई जो ताक में रख दिए थे। अरे वो तो सुबह मैं ले गया था। आप ले गए थे? वो तो मैंने बच्चों के कपड़े सिलवाने के लिए रखे थे। सीता, वो स्कूल के बच्चे हैं ना, कईयों के पास किताबें नहीं थी। पराए बच्चों पर घर लुटाते रहो। पराए कैसे, वो भी तो अपने बच्चे हैं। सीता, अब गौरी की शिकायत का फैसला, तुम्हें गरम गरम पकोड़े खिलाने की सजा दी जाती है। ऑर्डर ऑर्डर, मंजूर। गौरी गौरी पकोड़े पकोड़े। हाँ पढ़ो। मैं पढ़ूंगी नहीं, कान पकड़कर खड़ी कर दूंगा। रहने दीजिए अपनी मास्टरी स्कूल में ही। पगली, कम से कम चुप पत्री लिखना तो सीख ले। मुझे किसे लिखना है, मेरा सब कुछ तो यहाँ है। पगली, सीखी विद्या काम आती है। बोलो बोलो। रा रा। म म। प्र प्र। हाँ हाँ बोलो, राम प्रसाद। गंगा नदी कहां से निकलती है? भारत की राजधानी का नाम क्या है? अरे तुम बेंच पर क्यों खड़े हो? मुझे खड़ा होना चाहिए। क्यों? देर से जो आया। रोज क्यों देर होती है? आदत है। घर से पाठ लिख लाए? हाँ। मेज पर रख दो। चोरी करना पाप है, चोरी करना पाप है। सच बोलना धर्म है, सच बोलना धर्म है। चोरी करना पाप है, चोरी करना पाप है। सच बोलना धर्म है। चोरी करना धर्म है, चोरी करना धर्म है। सच बोलना पाप है, सच बोलना पाप है। अरे रे मास्टर जी, ये क्या अनशन पढ़ा रहे हो बच्चों को? क्यों भाई शैतानो, ये क्या अनशन पढ़ाओ है? अनशन आप पढ़ा रहे हैं? मैं अनशन? अच्छा अच्छा, बच्चों को कुछ हिसाब सिखाया है? मास्टर साहब, हिसाब में तो ये इतने तेज है कि 1 पैसा भी फीस का ज्यादा नहीं देते। रमेश जी, मास्टर जी बता, 6 और 4 कितने? 110। 110? मेरे बाप ये पहाड़ा नहीं, गिनती पूछ रहे हैं, गिनती बोल। हाँ, नौ, दस। हाँ, 4 और 6 कितने होते हैं बोलो? 5, 6, 7। मास्टर जी आप चुप रहिए, बोलो। 8, 9, 10, 11, 12, 13,
अरे रे, तुम तो बोलते ही जा रहे हो। तुम्हारी क्या करो मास्टर जी, वो ही नहीं बोलते। मास्टर जी, बच्चों को पढ़ाने का यही तरीका है। मैं पूछता हूँ, लोग बच्चों को स्कूल क्यों भेजते हैं? मास्टर साहब, घर पर ये बच्चे शरारतें करते हैं, इसलिए माँ बाप स्कूल भेज देते हैं। मास्टर जी, आज से इन बच्चों को मन लगाकर पढ़ाइए। देखो बच्चों, आज से मन लगाकर पढ़ना, सच बोलना धर्म है। बच्चों, तुमने कभी पेन देखा है? अच्छा, बताओ पेन में स्याही कैसे भरते हैं? अरे आपको मालूम नहीं, ऊपर शकुनकर भरी जाती है। देखा बच्चों, इसे मालूम नहीं, बुद्धू है बुद्धू। तो क्या पीछे से भरते हैं? ठीक, बिल्कुल ठीक। ठीक है तो भरकर दिखाइए। मेरा पेन? मत रो, मत रो मेरे बच्चे, लो इसे रख लो। नहीं नहीं मास्टर जी, मैं कभी चोरी नहीं करूंगा, आपके कसम मैं कभी चोरी नहीं करूंगा। वासु, प्रभु, सीता माता की खोज में हनुमान जी जा रहे हैं, अब आज्ञा दीजिए। जाओ हनुमान, तुम्हारा कार्य सफल हो। ये लो मुद्रिका, जानकी मिले तो उन्हें दे देना। प्रभु यही सीता आ गया।
मेरी चूड़ामणि, प्रभु से कहना मुझे इस नरक से जल्दी छुड़ा ले। आज्ञा माता जी। दुनिया का नेता कौन? लंका सम्राट। युद्ध विजेता कौन? लंका सम्राट। ये अगन पवन, ये गगन धरन, ये अगन पवन, ये गगन धरन, ये सारे तारागण, ये सूर्य चंद्र, ये वरुण इंद्र, ये सारे लोक भुवन। हेलो, मुझे में नेता कौन? हा 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 हा
फकीरों के पास फोन कर दे, नहीं तो तेरा सर्वनाश हो जाएगा। रोक ले जीवा को बंदर, दूर हो बज्जा, बंद कर बकवास भरना, तोड़ दूंगा दांत तेरे, तोड़ दूंगा दांत बंदर, तोड़ दूंगा दांत। सैनिको, इस बंदर के तुम्हें आग लगा दो। लपक छपक लपट चली, अग्नि ज्वाला झपट चली, धाय 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 लंका जली रे, जय जय रघुवीर बलि, जय जय रघुवीर बलि। सारे के सारे असुर भागे, कोई पीछे कोई आगे, कोई पीछे कोई आगे, सारी नगरी में मची खलबली, जय जय रघुवीर बलि, जय जय रघुवीर बलि, जय जय रघुवीर बलि। प्रभु, सीता माता की है छुड़ावन, माता ने कहा है कि उन्हें दुष्ट रावण से जल्दी छुड़ा ले। हनुमान, तुमने अपनी भक्ति से हमारा मन जीत लिया, आज से तुम हमारे पांचवें भाई हो। प्रभु, मैं तो आपके चरण दास हूँ। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता राम, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता राम, पतित पावन सीता राम, पतित पावन सीता राम, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता राम, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता राम, रघुपति राघव राजा राम, पतित। बहनों और भाइयों, रामप्रसाद जी और बच्चों की मेहनत से हाई स्कूल फंड के लिए खेला हुआ यह नाटक बहुत कामयाब रहा। मैं प्रार्थना करता हूं कि भगवान इन्हें इस पुण्य कार्य में पूरी सफलता दे। इस नाटक की आमदनी के ये 6,000 रुपए मैं इनको सौंपता हूं। महालक्ष्मी का प्रसाद मुझे दो, सुबह मुंह धोने के बाद। कैसा फल जो, क्या यही है सच्चाई का फल? कल रात रुपये की थैली अलमारी में रखी थी, अब देखा तो गायब। राम प्रसाद जी, माना कि आप भले आदमी हैं, लेकिन पैसे का लालच बहुत बुरा है, भले को शैतान बना देता है। दिवाकर जी, आप भी मुझ पर शक करते हैं? क्या मैं स्कूल के पैसे छुपा सकता हूँ, चुरा सकता हूँ?
नहीं नहीं, मुझे बच्चों की कसम, मुझे बच्चों की कसम। अजी आप कसम सब के चक्कर में कहां पड़ गए दिवाकर जी, इस तरह से सर खपाने में कोई फायदा नहीं। मैं कहता हूं ये मामला पुलिस को दे दो। हे भगवान, तुम तो सब कुछ जानते हो। भगवान सब कुछ जानता है मगर बोलता नहीं। पुलिस खोज देगी रुपए की थैली किधर। हाँ हाँ, आने दो पुलिस को, इस घर की तो तलाशी होगी, पर मुझे एक घर पर और भी शुबा है, लगे हाथ उसकी भी तलाशी हो जाएगी। दो भैरव प्रसाद जी, ठीक है ठीक है, क्यों नहीं। ये क्या है? महालक्ष्मी का प्रसाद। इधर आओ। अभी नहीं, वो करके आओ। कथा खेली देती है या नहीं? कोई कह मैं अपना एडवांस करके कैसे चुराए और उनको जेल भेज रहा हो, तो शर्म नहीं आती? राजा जी को 7 साल की जेल हो गई। हाँ। अरे मैया, उस बेचारी राधा का क्या होगा? राधा, गोपी, अरे तुम रो रही हो? गोपी, गोपी, मुझे पापा के पास ले चलो। हम वहाँ कैसे आ सकते हैं? बच्चों को परवानी नहीं देते। चलो हमारे घर, वहाँ खेलेंगे, कूदेंगे, खाएंगे और खूब मजे उड़ाएंगे। हंसो, हंसो, हंसो। अरे तुम अभी तक रो रही हो? अगर तुम हंसोगी नहीं तो मैं तुमसे बात नहीं करूंगा। गोपी तेरी मेरी जोड़ी, तेरी मेरी जोड़ी, मैं ना मानू जोड़ा, तू ना मानू जोड़ी। बज रहा दिल के सुर बहार का, गुनगुना ले आ पिया गीत आज प्यार का, आ पिया सजनिया, आ पिया सजनिया। तार तार बज रहा दिल के सुर बहार का, गुनगुना ले आ पिया गीत आज प्यार का, आ पिया सजनिया, पिया सजनिया। आके हाथ थाम ले मुझ पे नशा छा गया, ओ जब किसी का दिल लुटे आज वो दिन आ गया। किसी कल लुटे आज वो दिन आ गया, लूट ले आजा मजा आज इस बहार का, खा पिया सजनिया, खा पिया सजनिया।
समझ ले साजन ये जवानी का इशारा, जवानी का इशारा, ये वो उम्र है जो नहीं आए दोबारा, नहीं आए दोबारा। ओ यूं ही गुजर जाए ना ये तमा खुमार का, सजनिया सजनिया। ये रंगीला वक्त है दूर दूर क्यों रहे, ओ दिल से मिला दिल है जब फिर जुदाई क्यों सहे, दूर दूर क्यों रहे, ओ दिल से मिला दिल है जब फिर जुदाई क्यों सहे। आज के मौसम में क्या काम इंतजार का, पिया सजनिया, हाँ पिया सजनिया। राधा, ये रोज का बेकार का बोझ तुम घर से क्यों उठा के लाते? ये बोझ नहीं, बहाना है बहाना। अगर मैं इसको साथ में लाऊं तो तुमसे मिलना मुश्किल हो जाए। मुझसे मिलना मुश्किल हो जाए, मैं समझा नहीं रहा था। ओहो, जितने बुद्धू तुम बचपन में थे अभी भी हो, जानते नहीं जब से बाबा वापस आए हैं ऊर्जा कैद हो गई है और मैं पानी का बहाना करके मैं तुमसे मिलने आती हूँ। अच्छा राधा, एक बात पूछो। हाँ पूछो। तुम इस तरह से बहाना करके मुझसे क्यों मिलने आते हो? अच्छा मैं चली। अरे चली राधे रानी मटके मैं पानी, हाँ अपने नहीं छोड़ूंगा, बैठो। अच्छा। अरे बैठो बैठो। अरे गोपी, आज तुम्हारा रिजल्ट निकालने वाला था ना, तुम गए नहीं? राधा, अपना रिजल्ट तो कब का निकल चुका है, हर पर्चे में सिर्फ तुम्हारी तस्वीर दिखाई देती थी, राधा राधा। और अपना पेन है ना, राधा बिल्कुल नहीं चला, रुक गया यूं। अच्छा तो फिर रिजल्ट गोल जीरो ना? नो, इसलिए रवि भैया को भेजा है रिजल्ट देखने के लिए। बाबा, बाबा, रिजल्ट आउट हो गया, मैं फर्स्ट क्लास, गोपी सेकंड, और वासु वासु यूनिवर्सिटी में फर्स्ट है। रवि की माँ, रवि की माँ। हाँ आई आई। सुना तुमने? क्या है? रवि फर्स्ट क्लास, गोपी सेकंड, वासु यूनिवर्सिटी में फर्स्ट। लेकिन कोई पास भी हुआ? पिताजी इन्हें तो हिंदी भी नहीं आती, इंग्लिश क्या समझेंगी? माँ सब पास हो गए। हाँ तो भाग, भगवान के आगे दिया जला। भाभी, भगवान को तो अंधेरे में भी दिखता है, तो मुंह मीठा कराओ। हाँ हाँ। अरे भाभी, बाजू वो मारा पत्थर, मारा मारा रे, मारा रे, मारा रे। I'm sorry, excuse me sir. कोई बात नहीं वासु, तुम पर मुझे नाज है, तुमने हमारे स्कूल का नाम रोशन कर दिया। आपका आशीर्वाद है मास्टर जी। अरे वासु बेटा आ गया, लो बेटा। और मैम मैं? हाँ हाँ। और मुझे आपको क्या, आपके लिए तो ये खुद ही शक्कर है। शक्कर क्या, आप तो लड्डू ही खाओ। मास्टर जी एक और भी खुशी की बात है, वासु का मामा उसे बंबई ले जा रहा है ऊंची तालीम के लिए। हाँ अच्छा, बंबई जाकर हमें भूलना नहीं बेटा। ये कैसे हो सकता है माँ, ये पेन तो हमेशा आप लोगों की याद दिलाता रहेगा। अब मुझे आशीर्वाद दीजिए, खुश रहो बेटा। बाय बाय बहन, बाय बाय, कम ऑन। एक जगह बैठे बैठे आपका मन नहीं उठता सरकार। सरकारी मन खाने में रह रहकर कुछ आदत नहीं हो गई है। बाहर जाकर देखिए गांव कितना बदल गया है, रवि और गोपी मैट्रिक पास हो गए हैं और तू यूनिवर्सिटी में फर्स्ट गुंडा। और अब राम प्रसाद अपने बच्चों को कॉलेज भेजने का सोच रहे होंगे। भला वो क्या भेजेंगे? क्यों? पैसा, कॉलेज की पढ़ाई कोई मजाक है सरकार? उनके पास पैसा नहीं है। बाबा आओ बेटी। बाबा मोती चूर के लड्डू। अरे वाह वाह, बहन परलोक से धारने से पहले
सारी पकवान विद्या तुम्हें सिखा गई। ठीक तो है, हमारी राधा बिटिया जिसके घर जाएगी सबका मुंह मीठा करेगी। ओ जरूर, क्यों नहीं। जाओ बाबा। हाँ, ईश्वर की दया से 10,000 तो जमा हो गए और 5,000 हो जाए तो हाई स्कूल। घबराइए नहीं मास्टर जी, जिस तरह 10,000 आए हैं उसी तरह 5,000 भी भागते हुए आएंगे। हाई स्कूल बनेगा और जरूर बनेगा। हाई स्कूल के सिवा और कोई चिंता नहीं, इस हफ्ते लड़कों के कॉलेज खुल रहे हैं। कॉलेज तो पैसे वालों के लिए है सीता। तो क्या हमारे बच्चे कॉलेज में नहीं पढ़ेंगे? हमारी दौड़ तो स्कूल तक थी सीता। पर मैं अपने लड़कों को मास्टरी नहीं करने दूंगी। तो क्या उन्हें कलेक्टर बनाओगी और उनकी मोटरों में काशी यात्रा करोगी? मेरे बच्चे पढ़ेंगे तो काशी यात्रा क्या सारे तीर्थ कराएंगे, चाहे ये घर बेचना पड़े तो भी परवाह नहीं। क्यों गदाधर जी? ये आपने ठीक कहा भाभी, आप दोनों आपस में फैसला कर लीजिए, मकान तो मैं कल बिकवा दूंगा। गीता, ये मकान न तुम्हारा है न मेरा, ये बच्चों की पवित्र अमानत है। क्यों गदाधर जी? ये भी आपने ठीक। फिर रहने दीजिए बच्चों के लिए ये मकान। नमस्ते। ओहो हो, भैरव जी आइए आइए बैठिए। अच्छा मास्टर जी, मुझे तो अब आज्ञा ही दीजिए। क्यों गदाधर जी, मैं आया और आप चल दिए। माफ कीजिएगा, बुजुर्गों ने कहा है आपसे दूर रहना ही ठीक है। ठीक कहते हो, इसीलिए तो मौत मांगता हूँ, मगर बुजुर्गों ने कहा है आपसे दूर रहना ही ठीक है। ठीक कहते हो, इसीलिए तो मौत मांगता हूँ, मगर वो भी कम वक्त नहीं आती। सच्चे दिल से मांगिए, जरूर आ जाएगी। ऐसे निराश न हो भैरव जी, जो हुआ सो हुआ। क्यों गदाधर जी? जी हाँ, जो हुआ सो हुआ। आप दिल के रईस हैं राम प्रसाद जी। लेकिन अफसोस, दिल की रईसी बच्चों को कॉलेज में नहीं पढ़ा सकती। शुक्रिया भाभी। क्यों राम प्रसाद जी, आपके बच्चे कॉलेज नहीं जा रहे हैं? जिस इंसान ने दुनिया भर के बच्चों को शिक्षा दी उसके अपने बच्चे शिक्षा न पाए, आखिर मेरे पैसे किस दिन काम आएंगे? आपके बच्चे जरूर कॉलेज जाएंगे, आप कोई चिंता ना करें। धन्यवाद, मैं किसी से दान नहीं लेता। दान? नहीं नहीं, उधार ले लीजिए। आप सोच क्या रहे हैं? उधार, कर्ज। कर्ज लेने में क्या हर्ज है, बच्चे कमाएंगे चुका देंगे। चुका देंगे, हाँ ठीक है, प्रोनोट लिखवा लेना। अजी प्रोनोट की क्या जल्दी है, आप रुपए अभी ले लीजिए। यस मिस नीता। किताबें उठाइए। वो किस खुशी में? इस हफ्ते आप मुझसे तीसरी बार टकरा चुके हैं। इरादा तो चौथी बार का भी है मगर। शट अप। ओह थैंक यू थैंक यू। मैं कहती हूँ किताबें उठाइए। किताबें? जी हाँ किताबें। ओ किताबें, झगड़ा किस बात का है? हेलो शंकर, तुम टकराए ना आप टकराए, बल्कि दिल से दिल टकराए, और भगवान करे आगे भी ऐसे ही टकराते। थैंक यू वेरी मच मिस्टर शंकर। क्या हुआ रवि? शुक्र है आज पहिया सलामत, वरना रोज हवा निकाल देता था। अरे देता था नहीं, देती थी। क्या मतलब? ये सब गीता की शरारत है। गीता? ओह तो देखो फिर आज क्या चटखारे आते हैं। यानी कि जैसे को तैसा, रोज तुम मेरी साइकिल की हवा निकालते थे, आज अगर मैंने तुम्हारी गाड़ी की हवा निकाल दी तो क्या हुआ? बात अच्छी। गीता ये क्या कर रही हो? टिट फॉर टैट, यानी जैसे को तैसा। मगर अब मैं घर कैसे जाऊंगा? अपनी साइकिल मेरी गाड़ी के पीछे रख दीजिए, थोड़ा सा किराया ले लूंगी।
डर है कहीं साइकिल मेरी किराए में हजम ना हो जाए। डोंट वरी रवि, गीता की नजर साइकिल पर नहीं साइकिल सवार पर है। चुप बे, बदतमीज कहीं के। मिस गीता। यस मिस्टर रवि। वन टू थ्री। अरे रे रे रे, ये क्या कर रहे हो? मैं घर कैसे जाऊंगा, मैं मर गया। रवि, हा हा हा, रवि चंद्र दो नयन विराट रूप आनना। ये कविता पढ़ी है तुमने? जी नहीं। नहीं, भज गोविंदम, फिर तुमने पढ़ाई क्या है? यूं ही माँ बाप का रुपया बर्बाद कर रहे हो? जी। चाय पियो बेटा। तुम्हारे पिता का नाम? राम प्रसाद। राम प्रसाद, वाह 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 वाह। जिस घर में हो राम प्रसादा, उस घर में ना संकट बाधा। राम प्रसाद का सटीक गुटका तो पढ़ा होगा? माफ कीजिए, मैंने कुछ नहीं पढ़ा। भज गोविंदम, कुछ नहीं पढ़ा? कुछ नहीं पढ़ा तो कौन माफ करेगा? भगवान भी नहीं माफ करेगा। भज गोविंदम, चाय पियो बेटा। तुम्हारी माँ का नाम? सीता। आहा, सीता, सीता हनम जटायुवनम सुग्रीव संभाषणम। ये है एक श्लोकी रामायण। चाय पियो बेटा। बेटा, तुम्हारे गांव में? ठहरी ठहरी, मेरी उम्र 20 बरस। हम रहने वाले मुंडवा के, हम दो भाई एक बहन, हम तीनों की शादी नहीं हुई। हम खाना खाते हैं और पानी भी पीते हैं। पूना तक पढ़ने के लिए हम साइकिल पे आते हैं क्योंकि अपने पास गाड़ी नहीं। और कुछ आपने हमसे कुछ पूछना है? बेटा जी, तुमने तो मेरे बगैर पूछे ही सब बातें बता दी। भज गोविंदम। हाँ भज गोविंदम। चाय पियो बेटा। पियो, आप पियो। भज गोविंदम। पियो पियो पियो। पीता क्या हो? ये चाय शरबत बन गई है। शरबत? हाँ। भज गोविंदम, पी कर तो देखो, शरबत का भी मजा आएगा, चाय का भी मजा आएगा। भज गोविंदम। अरे शो का टाइम हो गया, चलो रवि। गीता तुम जाओ, गोपी मेरी राह देखता होगा। चलो फिर बेटा, चाय पीने के लिए फिर आना। चाय? भज गोविंदम, भज गोविंदम। अच्छा मम्मी, बाय बाय। भज गोविंदम, भज गोविंदम। के राम प्रसाद वल जगदम प्रसाद, ये वादा करता हूँ कि मैं मुसम्मी भैरव प्रसाद वल्द काली चरण को मांगने पर 3000 रुपए मैसूद के फौरन अदा करूंगा। राधा जी, पानी लाने में इतनी देर हो गई बेटी। अरे वो घड़ा कहाँ है? घड़ा बाबा, वो घड़ा पनघट पर छोड़ा ही क्या? नहीं बाबा, वो गोपी का फूफी है ना, उसका घड़ा टूट गया, मैंने अपना दे दिया। अच्छा, तो यही है तुम्हारी गोपी का फूफी? नहीं बाबा, बात ये हुई। अगर मैंने फिर तुम्हें राजा के साथ घूमते फिरते देखा, राधा राधा करते देखा, मैं तुम्हारी खोपड़ी तोड़ दूंगा। चाचा जी, राधा तू भी सुन ले, अगर मुझे फिर से जेल भेजना है तो बेखट के गोपी सुन ले। नहीं बाबा, जेल का नाम मत लो, मैं वादा करती हूँ मैं तुम्हारी माता के खिलाफ कुछ नहीं करूँगी। देखिए मास्टर जी, मुझे गलत ना समझिएगा, वैसे तो हर लड़के को अपना जीवन साथी चुनने का हक, पर ये राजपुर के बंगले वाली और उसकी लड़की मुझे दोनों नापसंद है। रवि बाबू का मेल इनके संग ठीक नहीं, आगे जो आप नासिब समझे। क्या बात है मास्टर जी? तुम्हारे सपूत रवि की बात है, राजपुर के बंगले वाली की लड़की से प्यार शुरू किया है। बदमाश कहता था स्पेशल क्लास में जाता हूँ। क्या देख रहे हो रवि? तुम्हारी आंखें। मेरी आंखों में क्या है? मेरी दुनिया। इन आंखों
आंखों में तुम गीता रवि पिताजी बेवकूफ क्या तुम समझते हो कि लड़कियों की इज्जत खिलौना है तुम इन लोगों की शराफत का नाजायज फायदा उठा रहे ये सब क्या हो रहा है तुम कौन हो बहन मैं इस नालायक का बाप हूं मैं इसकी बेजा हरकत के लिए आपसे माफी चाहता हूं और अगर ये फिर कभी इस घर में कदम रखे तो इसे धक्के मारकर बाहर कर देना लेकिन क्यों इसका कसूर क्या है कसूर इसने वो पाप किया है जिसके लिए इसे ईश्वर भी माफ नहीं करेगा आपका ख्याल गलत है महाशय जी इन्होंने इन्होंने कोई पाप नहीं किया प्रेम पाप नहीं हो सकता ये दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हैं अरे आप खड़े हैं बैठिए ना मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकता ये प्रेम नहीं बचपना है बचपना बचपना तो अभी खत्म हो सकता है आप हाँ कहिए मैं अभी शादी की तैयारी किए देती हूँ शादी जी शादी बहुत बड़ा संबंध है बहन जीवन मरण का संबंध बच्चों का खेल नहीं हैसियत देखकर शादियां होती हैं हमारी भी हैसियत कुछ कम नहीं हमारा भी लाखों का व्यापार चलता था इसीलिए तो मैंने कहा कि आप बड़े हैं मैं एक गरीब स्कूल मास्टर हूं आपकी हमारी हैसियत में जमीन आसमान का फर्क मैं ये फर्क मिटाने के लिए तैयार हूँ बोलिए आपको कितना दहेज चाहिए दहेज मैं सौदा करने नहीं आया बस गोविंद गीता ये मनुष्य नहीं बेटी साक्षात देवता है तू बड़ी भाग्यवान है बेटी अरे अरे मन भाया मिठाई ला मिठाई लेकिन लेकिन मेरे बाप कुछ नहीं शुभ काम में देर कहेगी बेटी खड़ी खड़ी क्या देख रही है इनके चरण छो रवि इनके चरण छो आशीर्वाद लो बेटा आशीर्वाद गोविंद गोविंद सुखी भव भज गोविंदम भज गोविंदम जो काम था सो हो चुका अब हम जाएंगे गीता और रवि का इरादा है कि हनीमून बॉम्बे चलकर ही मनाया जाए बॉम्बे ये कैसे हो सकता है बहन गृह प्रवेश तो गांव चलकर होगा गीता हमारे घर की पहली बहू है कुल देवता की पूजा गांव चलकर होगी वो आप ही कर लीजिएगा माँ जी मेरा दिल गांव में बिल्कुल नहीं लगेगा न वहाँ सिनेमा होंगे न क्लब बेटी तुमने हमारा गांव देखा नहीं स्वर्ग है स्वर्ग आपका स्वर्ग आप ही को मुबारक मगर हम तो बम्बई ही जाएंगे जुग जुग जियो बेटी जहाँ मर्जी हो जाओ लेकिन खुश रहो सीता इन्हें जाने दो देखो गीता बेटा हम बहुत लेट हो गए हैं चलो जल्दी चलो मैं ठेकेदार के पास से ही आ रहा हूँ 15,000 में मानता ही नहीं था मैंने कहा स्कूल का काम है कुछ तुम भी धर्म कमाओ तब जाकर राजी हुआ भगवान ने चाहा तो महीना भर में हाई स्कूल की इमारत खड़ी हो जाए बहुत अच्छे फिर हाई स्कूल का काम फौरन शुरू कर देना चाहिए फिर वही स्कूल कुछ घर का भी ख्याल है उसके लिए तुम जो हो ये भी आपने ठीक कहा आपने जो चिट्ठी लिखी थी उसका क्या हुआ आपको नहीं पता कल वो लोग गौरी को देखने आ रहे हैं आपने तो मुझे बताया ही नहीं स्कूल के झंझट में सब कुछ भूल जाता हूँ भगवान करे उन्हें मेरी गौरी पसंद आ जाए चिंता ना करो भाभी इस बारे में मैंने भगवान से काफी सिफारिश कर दी है चाहिए Thank you.
रहिए बहन जी, हम लोग अंदर बैठे हैं। अच्छा आप लोग चाय पीजिए, मैं अभी आया। ठीक है। एकदम फाइन है मधुवाला, नरगिस, वैजन की माला, पद्मिनी, रागिनी, सब गुण है इसमें। तुम्हारे गधे। हाँ गदाधर जी, वैसे लड़की तो ठीक है लेकिन अब कुछ लेन देन की बात हो जानी चाहिए। हाँ बोलो भाई मंगलो, क्या लो? लड़की। चुप गधा कहीं का। अच्छा है। हाँ भाई साहब, वैसे तो मैंने 4000 मांगे थे, चूंकि आप है बीच इसलिए 3000 ले लूंगा। दया शंकर जी, आपको तो पता है राम प्रसाद जी एक गरीब स्कूल मास्टर, बिना दहेज के शादी कैसे हो सकती है? पर दहेज को कौन मना करता है, थोड़ा और कम कर दीजिए। ये नहीं हो सकता, जाओ कह दो उनसे। हाँ क्यों बेटे? हाँ ठीक है बाबू। और हाँ सुनो, अगर आज बात पकी होती है तो 3000, वरना कल। हाँ कल इनसे 3000 क्या, 3 नए पैसे भी नहीं चाहिए। चल पे को बापू। बापू ये महीना कौन सा है? ये माघ चल रहा है। हाँ बस बस, तो इसी महीने में शादी हो जानी चाहिए। अभी अभी दहेज की बात पक्की नहीं तो ये शादी की जल्दी पड़ेगी। आप नहीं जानते बापू, माघ की शादी बड़ी भाग्यशाली होती है। हाँ हाँ, कवि ने कहा है। क्या कहा? जो माघ में आए दुल्हन तो छम छम भर से धन। चल बेवकूफ, छम छम भर से धन धन धन। हाँ वो भी छम छम धन। मैंने नहीं, कभी नहीं कहा। कभी नहीं कहा। मास्टर जी आप जरा भी चिंता मत की, मैं गोपी का रिश्ता 5000 में तय कर दूंगा, उसमें से 3000 गौरी की दहेज में दे देंगे, फिर भी अपने को फायदा रहेगा। नहीं मास्टर जी, मुझे न दहेज लेना है और न देना है। भाभी आप ही समझाइए। आपकी यही हट रही तो बेटी घर पर ही बैठी रहेगी, दहेज मांगिए मत। लेकिन अगर कोई अपनी मर्जी से देता है तो उसे लेने में क्या हर्ज है? इसके बारे में पहले गोपी से पूछ लेना जरूरी है, कहीं उसने इनकार कर दिया तो। इनकार कैसे करेगा, मैं उसकी माँ हूँ, वो मेरी बात नहीं मानेगा तो किसकी मानेगा? ठीक है मास्टर जी, उनसे कह दो हमें मंजूर है। बस तो मैं जाकर तय कर लेता हूँ। सरकार लड़का क्या है, हीरा है हीरा, बिल्कुल राधा कृष्ण की जोड़ी जैसी। लेकिन वो है कहाँ का? इसी गांव का सरकार, इसी गांव का। इसी गांव का? इस गांव में मेरी बराबरी का कौन हो सकता है? वो अपने मास्टर जी है ना, राम प्रसाद जी, उनका लड़का गोपाल। क्या कहा? गोपी? मैं उसका नाम तक नहीं सुनना चाहता। सरकार की बुराई क्या है, लड़का शरीफ है, समझदार है, पढ़ा लिखा है। मैंने तुमसे कह दिया कि उस गुंडे के बारे में मुझसे कोई बात मत करो। नहीं करूंगा, रामनगर का जमींदार तो अपनी लड़की के लिए मेरे पैर पकड़ रहा है, मैं गोपाल का रिश्ता वहाँ करा दूंगा। 5000 तो क्या, अगर मुझे 50000 रुपया भी मिलेगा तब भी मैं ये शादी नहीं करूंगा। नहीं माँ नहीं, मैं शादी नहीं करूंगा, मैं ये शादी नहीं करूंगा। जिद न करो बेटा, अपनी बहन का तो ख्याल करो, तेरे बाबा ने पहले ही कहा था तो नहीं मानेगा, लेकिन मैंने उन्हें मजबूर किया। लेकिन माँ मेरी सलाह लिए बगैर तुमने उन लोगों को कैसे हाँ कर दी? कवरी के हाथ एक न एक दिन तो पीले करने थे बेटा, जवान बेटी को कब तक घर बिठाए रखते, इसी वजह से मैंने हाँ कह दी। यूँ तो बाबा बड़े ऊंची और सुरों की बातें करते, लेकिन बेटे को बेचकर बेटी की शादी करने के लिए कैसे तैयार हो गए? वो भी क्या करते, गौरी की शादी तुम्हारी शादी के दहेज बिना नहीं हो सकती। बेटा अगर तुम्हारी बहन की शादी रुक गई तो क्या तुम्हें सुख मिलेगा? तो मैं क्या करूं, रुकने दो, खानदान की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। मिलने दो, गौरी की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। होने दो। शाबाश मेरे सपोर्ट, शाबाश, जा जो तेरे मन में आए सो कर, तू हमारे लिए अपनी जिंदगी बर्बाद मत कर। लेकिन माँ। खबरदार मुझे माँ कहकर पुकारा तो, जिसे अपने देवता जैसे पिता की इज्जत का ख्याल नहीं वो मेरा बेटा नहीं, जिसे अपनी बहन की जिंदगी की परवाह नहीं उसे मुझे माँ कहने का कोई हक नहीं।
बात पहले कह देते तो ये नौबत क्यों आती? राधा, राधा। इनका कुसूर नहीं है माँ, मेरा है। आपने मुझे क्यों बचाया? अगर मैं मर जाती तो सब ठीक हो जाता। राधा, गौरी की शादी बेटी, घबराओ नहीं बेटी, मैं गौरी के मंडप में ही तुम दोनों की शादी कर दूंगा। शाबाश, हो अकलमंद, सोचा होगा 3000 का तर्क दहेज में कट जाएगा। नहीं भाई, मुझे दहेज नहीं चाहिए। तो फिर मेरी लड़की को क्यों बहका रहे हो? भैरव भाई, हमारी आपस की दुश्मनी का जहर बच्चों की जिंदगी में क्यों मिलाते हो? ये दुश्मनी तो पुश्तों तक चलती रही ग्राम प्रसाद। चलो राधा, छोड़ दीजिए मुझे। अगर आप मेरी जान भी ले लें तो भी मैं आपके घर में कदम नहीं रखूंगी। क्या? हाँ हाँ, मैं कहता हूँ ये शादी होगी और जरूर होगी, ब्रह्मा भी इसे नहीं टाल सकते। अच्छा तो मैं भी देखता हूँ ये शादी कैसे होती है। इधर आइए। वो दहेज कहाँ है? अभी शादी तो होगी दीदी, दहेज भी मिल जाएगी। आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं? आप मेरा मजाक उड़ा दीजिए, मैं बुरा नहीं मानूंगा। क्या? मैं कह देता हूँ, जब तक दहेज नहीं मिलेगा फेरे नहीं पड़ेंगे। जाओ कह दो राम प्रसाद से, जल्दी चलिए सखी। जी हाँ। मास्टर जी, मास्टर जी, दराशंकर तो अड़ गया, कहता है कि पहले दहेज दे दो बाद में फेरे पड़ेंगे। अब क्या होगा? मैंने अपनी तरफ से हर जगह कोशिश की लेकिन कहीं कामयाबी नहीं। हाँ, एक बात ध्यान में आती, सेठ हुकमचंद आपकी बहुत इज्जत करता है, अगर आप खुद उसके पास चलें तो शायद कुछ काम बन जाए। अब क्या सोच रहे हो? घर की इज्जत का सवाल है, ले जाइए इन्हें मास्टर जी। आइए मास्टर जी, देर न करें। दीजिए मास्टर जी, दस्तखत कीजिए। ये प्रोनोट रख लीजिए, जितनी जल्दी बनेगा मैं रुपया अदा कर दूंगा। जब तक इस प्रोनोट का रुपया अदा ना हो जाए तब तक मैं और मेरी पत्नी आपके घर रहेंगे, ठीक है ना बापू? नहीं। अबे बेवकूफ, सूद के बदले लड़की घर का काम काज करेगी, इतना भी नहीं समझता? राम प्रसाद जी, लड़की को विदा करने की तैयारी कीजिए। अब तो लड़की आपकी है, ले जाइए। बेटा मंगलू, जा गाड़ी तैयार कर। यानी कि घोड़े को गाड़ी जोड़ दो? गाड़ी को घोड़ा जोड़ती। हाँ ठीक है बाबू, गाड़ी को घोड़ा जोड़ दो। हाँ जा जल्दी कर। माँ, माँ, बाप मुझे नौकरी मिल गई। माँ देखो, हीरा से चिट्ठी आई है। अच्छा, राधा के आते ही तेरी नौकरी लग गई। बेटी तू सचमुच लक्ष्मी का रूप है। माँ मुझे आज ही जाना होगा, वहाँ पर मुझे नौकरी पर कल हाजिर होना है, हम दोनों को आज ही विदा कर दो ना माँ। कंग्रेचुलेशन गोपी। थैंक यू भैया, मैं भी आज कटनी जा रहा हूँ, रास्ते बीमा छोड़ता जाऊंगा। ओह वंडरफुल, आज ही चले जाओगे बेटे? बड़ी बहू भी शादी पर नहीं आई और राधा भी आज ही जा रही, पूरा घर सुना हो जाएगा। सीता, सुना आपने, गोपी की नौकरी लग गई, ये लोग आज ही जा रहे हैं, रवि भी जा रहा है। और तुम्हारे दामाद साहब तो गौरी को लेकर अभी जा रहे हैं। अच्छा भाई, भगवान सबको सुखी दे। रोते नहीं बेटी, ससुराल ही स्त्री का स्वर्ग है। जाओ अपनी सेवा से कुल का नाम रोशन करना। दिल को मजबूत करो सीता, इस संसार का नियम ही ऐसा है। पंख निकलने पर पंछी खुले आसमान में उड़ने लगते हैं। Thank you.
गौरी बताओ तो मैं तुम्हारे लिए क्या लाए हूँ। मैं नहीं दिखाऊंगा फूल। गौरी ये फूल नहीं, ये आसमान के तारे हैं, तारे जिन्हें तुम्हारे लिए तोड़कर लाया हूँ। आओ गौरी आओ, इस चांद से चेहरे के आसपास इन्हें सजा दूं। नहीं नहीं अब यहाँ से जाइए। क्यों? कोई देख लेगा। कोई देख लेगा? कोई देख लेगा तो क्या होगा, हम दोनों पति पत्नी हैं। लेकिन बापू और माजी? वो भी पति पत्नी हैं। अबे ओ गधे। गौरी गौरी जी जी बापू जी। बापू के बच्चे, मैंने तुझसे क्या कहा था? आपने कहा था अबे ओ गधे। खामोश। अबे मैंने कहा था कि जब तक दहेज का एक एक नया पैसा वसूल ना हो जाए तुम दोनों एक दूसरे से बात नहीं करोगे। गौरी चली जाओ अंदर, चली जाओ। हे भगवान इस गधे को थोड़ी सी अकल दे। हे भगवान तुमने शादी में कितना दहेज लिया था जरा बताओ बापू को। बापू पूछो पूछो इनसे। देखा तुमने, भगवान का मजाक उड़ा रहा है। अच्छा छोड़ो इन बातों को, चलो खाना खा लो। खाना? जब तक दहेज का एक एक नया पैसा वसूल न हो जाए खाना बंद। नहीं नहीं बापूजी ऐसा नहीं कीजिए, आप खाना नहीं खाएंगे तो मेरे जैसे दुबले हो जाएंगे। अबे गधे मेरा खाना नहीं तेरा खाना बंद। हाँ बंद हाँ, मेरा खाना? नहीं नहीं बापूजी ऐसा मत कीजिए, भगवान के लिए मेरा खाना बंद मत कीजिए। सब कुछ बंद कर सकते हैं लेकिन खाना नहीं। मेरा खाना बंद करोगे तो मैं मर जाऊंगा बापू। मेरा खाना बंद कर दे। मास्टर साहब, भाइयों और प्यारे बच्चों, आज से 10 बरस पहले ये स्कूल सिर्फ प्राइमरी स्कूल था, मगर हमारे मास्टर राम प्रसाद जी की अथक सेवा और कोशिशों ने इसको हाई स्कूल बना दिया। इस गांव पर इनके बहुत ही एहसान है। मैं स्कूल की उन्नति के लिए प्रार्थना करता हूं और मास्टर जी को धन्यवाद देता हूं। सभापति महोदय और प्यारे बच्चों, प्राइमरी स्कूल को हाई स्कूल बनाना मेरे अकेले का काम नहीं था, ये तो मेरे बच्चों के प्यार और मेहनत का फल है। हमारा भारतवर्ष वेद और पुराणों की पुण्य भूमि है, उपनिषदों की स्वर्ण भूमि है। रामायण महाभारत और भगवद गीता की मातृभूमि है। लेकिन आज इस उन्नति के युग में भी इसी भारतवर्ष में खाने के अकाल से ज्यादा विद्या का अकाल नजर आ रहा है। अब हम सबको मिलकर अपने देश को इस अकाल से मुक्त करना है ताकि हमारे देश में अंगूठा लगाने वाला कोई न रहे। अब मैं स्कूल की उन्नति के लिए भगवान से प्रार्थना करता हूं। भाइयों, मैं इस शुभ अवसर पर यह कहते हुए खुशी महसूस करता हूं कि सरकार ने मास्टर राम प्रसाद जी की सेवा से खुश होकर इनकी पेंशन मंजूर कर दी है, जिससे ये अपनी बाकी जिंदगी आराम से गुजार सके। नहीं, हम मास्टर जी से अलग नहीं रह सकते। प्यारे बच्चों, सरकार का हुक्म भगवान के हुक्म समान होता है, उसको मानना हम सबका धर्म होना चाहिए। मैं तुमसे दूर रहकर भी तुम्हारे साथ रहूंगा। मेरा प्यार और मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ ही रहेगा। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो
ब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। सीता सीता सीता, ओहो इतने फूल मालूम होता है जैसे कोई देवता धरती पर उतर आया हो। अपनी देवी के लिए धरती पर उतरना ही पड़ा। क्या क्या हुआ? सब कुछ। बहुत लोग आए थे। हाँ। आपने भी लचक दिया ना। हाँ हाँ। आप हाई स्कूल के हेडमास्टर बन गए ना। अरे बगली, प्राइमरी स्कूल के मास्टर को भी कभी हाई स्कूल की हेडमास्टरी मिली है? मालूम नहीं, सरकार ने खुश होकर मुझे हमेशा के लिए छुट्टी जरूर दे दी। क्या, हमेशा के लिए छुट्टी? हाँ हाँ, 25 रुपए महीना पेंशन हो गई। पेंशन 25 रुपए, ये दाम गज में कैसे गुजारा होगा, कर्जा कैसे चुकेगा? चिंता न करो सीता, भगवान पर भरोसा रखो। सुना नहीं तुमने? भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते गोविंदम भज मूढ़मते। उसने जब मुंह दिया है तो क्या दाना नहीं देगा? माँ पर विपद कुछ नहीं, माँ मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। माँ ये आज तो मेरे बेटे की सालगिरह है। माँ इस घर में मेरी सालगिरह भी होती है? क्यों नहीं, अपने बापू को आने दो, फिर साथ साथ खाना। साथ साथ खाना खाएंगे। माँ माँ देखो ना माँ, आज मेरी सालगिरह है ना, तो आज जरा गौरी के हाथ से खाना खिलवा दो। नहीं, अपने बापू को नहीं जानता, तुझे अकेले खाना हो तो बैठ जा। अच्छा ये बात है तो लगाओ थाली, लगाओ थाली। थाली लगाओ। माँ क्या हुआ? माँ बिच्छू काट गया। बिच्छू कहाँ है बिच्छू? अबे बिच्छू के बच्चे, तुझे इतनी भी अक्ल नहीं थी, काटना था बापू को लेकिन काट लिया माँ को। खैर जा, मैंने तुझे माफ किया। जल्दी से जाकर गौरी, गौरी तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम्हें मालूम नहीं तुम्हारे लिए यहाँ कर्फ्यू है? क्या कर रहा है जी? माँ मैं अभी लाता हूँ। बेटा क्या हुआ? मंगलू मंगलू रोक के, माना चक्कर आ गया होगा। मंगलू बेटा सुन तो, बहू तू इसे खाना दे, मैं जल्दी से वैद्य के पास जाकर आती हूँ। हाँ माँ। गौरी माँ गई? हाँ गई। अच्छा अब समझी मैटर। नहीं तो क्या, चल गौरी गौरी खाना खिला, देखो ऐसा मौका फिर नहीं आएगा। गौरी आज मेरी सालगिरह है, आज मैं तेरे हाथ का खाना खाऊंगा। गौरी चलना, गौरी चलना, आज मैं तेरे हाथ का खाना खाऊंगा। खाना खिला गौरी, बड़ी भूख लगी। हे भगवान हे भगवान, धरती माता का दुख हरने के लिए तुमने कई अवतार लिए, हमारा दुख हरने के लिए आज तुमने बिच्छू का अवतार लिया। धन्य धन्य हो भगवान, ऐसे हम पर दया करना और कम से कम रोज एक बिच्छू भेजना। भगवान बिच्छू भेजेगा ना? गौरी जल्दी करो ना, कितनी भूख लगी है मुझे। गौरी गौरी भगवान अच्छा खाना है गौरी ने आज। गौरी जल्दी जल्दी करो, गौरी गौरी पानी है। गौरी मैं तो रोज खाता था तो मालूम होता था कि सानी खा रहा हूँ। अच्छा
आज इतना अच्छा खाना बना है। हाँ गोरी, ये सब तेरे हाथों का गुण है। गोरी मेरे प्राण प्यारी, राज दुलारी मेरे गौरी, अपने गोरे गोरे हाथों से पान तो खिलाओ गोरी। हाँ खिलाती हूँ। हाँ मगर चूना कम। मंगलो माँ, माँ कितना अच्छा खाना बनाया था आज, मैंने खा लिया। बापूजी आप भी थोड़ा खा लिए। हाँ हाँ आप भी खा लो, मसाले वाले चावल बहुत अच्छे बने। हाँ बापूजी। अरे ये चावल तो ऐसे ही रखे हैं। हाँ तूने क्या खाया? मैं अरे गौरी ये सानी गाय को खिला दी। नहीं माँ ये तो इन्होंने खा ली। क्या है रवि की चिट्ठी? क्या लिखा है? पद्मा कैसी है? रवि तो अच्छा है ना? सीता चिट्ठी विट्ठी कुछ नहीं, भैरव के वकील का नोटिस है। नोटिस लिखा है, एक महीने के अंदर पैसे नहीं दिए तो वो घर नीलाम करा देगा। अब क्या होगा? रवि गोपी को चिट्ठी लिख दीजिए, वो जरूर मदद करेंगे। नहीं नहीं सीता मुझसे ये नहीं। आप नहीं लिख सकते तो मैं लिखवाती हूँ। दशहरे पर उन सबको यहाँ बुला लूंगी। पांच साल बाद भेजी तो एक चिट्ठी, क्या लिखा है? कुछ नहीं बापू, हम दोनों को बुलाया है। क्यों? दशहरे पर बुलाया होगा। दशहरा? क्या उन्होंने ही देखा है? मंगलो फाड़ दे चिट्ठी। बापू गुस्सा मत करो बापू, शायद मरने से पहले घर का बंटवारा करना चाहते हैं। रवि और गोपी को भी बुलाया है। ये बात है तो तुम दोनों आज ही चले जाओ, बाप की जायदाद में गौरी का भी तो हिस्सा है। और बाप के कर्जे में? गधा कहीं का। गधा? चुप। हाँ देख, दहेज की रकम की एक एक पाई वसूल हो जानी चाहिए। आप फिक्र कीजिए बापू, मैं आपका बेटा हूँ, वो प्रोनोट मेरे हवाले कर दीजिए, मैं सब कुछ देख लूंगा। शाबाश। हाँ अब पूरा हिसाब कान खोल कर सुन ले। हाँ सुनता हूँ। दहेज के 3,000, 3,000 पांच साल का सूद, 5 दिवाली, दशहरा, होली के त्योहार। और कुछ? बापू और एक बात भूल गए आप, गौरी को 5 साल खिलाए पिलाए वो कौन देगा? बिल्कुल ठीक, खूब याद दिलाई, आखिर को मेरा बेटा है ना। माँ का भी माँ का भी बेटा है। सुकुमार हमारी करार, बड़ा तेरा प्यार पसंद है हमें। ओ, ओ, ओ दिलदार बोलो एक बार, क्या मेरा प्यार पसंद है तुम्हें। ओ गोरी सुकुमार हमारी सरदार, बड़ा तेरा प्यार पसंद है हमें। तेरी हर चाल ढाल गोरी जादू रही डाल, हो कमाल है हो कमाल है। पिया देखो ना, पिया देखो ना, जवानी का सुहाना ये सिंगार। ओ दिलदार बोलो एक बार, क्या मेरा प्यार पसंद है तुम्हें। ओ गोरी सुकुमार हमारी सरकार, बड़ा तेरा प्यार पसंद है हमें। अब काहे की फिकर, वो करोगे कि कब मेरे दिल में घर बोलो जादूगर।
हम तो कभी के हुए तेरे दिल भर, अब काहे की फिकर। गोरी सुकुमार हमारी सरकार, बड़ा तेरा प्यार पसंद है हमें। अरे 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 बेटा, अपने बाप को दे। अरे विनू खाना परोस रहा है, जाओ बेटा खा लो। जब बड़े खाने पर पिल पड़े तो बच्चों को खाना परोसना पड़ता है। ला माजी, मैं परोसती हूँ, इनसे मेरा खाना भी नहीं देखा जाता। नहीं बेटी, तुम खाओ, मैं परोसती हूँ। के भागु छीका टूटा, माँ ने झूठू कहा और इस सचमुची खाने पर डट के बैठ गई। हमें भी इसी तरह छेड़ते हैं। क्यों रे, तेरी शामत आई है, बताओ। क्यों बड़े साले साहब, आपकी मेम साहब नहीं आई? क्या बताओ, उन्हें गांव भाता नहीं, और फिर उनकी क्लब की सिल्वर जुबली भी थी। अरे जलेबी शहरों में क्या बनती होगी? हाँ बनती भी होगी तो वनस्पति में बनती होगी। आप यहाँ बैठे हैं, चलकर बात छेड़िए, मौका अच्छा है। आप भी दादी से बात नहीं करते? डैडी और मम्मी तो रोज ऐसे ही करते, दोनों खूब झगड़ते हैं। पद्मा, तू बहुत नटखट हो गई है। और सुनाइए मंगलू साहब, क्या समाचार है आपके गांव के? अजी गांव में समाचार थोड़े होते हैं, समाचारों का जोर तो शहरों में होता है। पूछिए, हमारे बड़े साले साहब से पूछिए। यार तुम तो उसके पीछे ही पड़ गए। क्यों बेटा, ससुराल पसंद आई? ये भी कोई मेम साहब है जो इसे ससुराल नहीं पसंद आएगी? मंगलू, आजकल की पढ़ाई अजीब है, तुम ससुराल की बात कर रहे हो, बहुत सी लड़कियां पति तक को भूल जाती हैं। ठीक कहते हो मामा जी, इसलिए मैंने ही पढ़ा। पढ़ भी लेते तो क्या कर लेते मंगल देव जी। खैर जाने दीजिए इन बातों को, ये तो बताइए कौड़ी घर का कामकाज कैसे करती है? ठीक करती है ना? अजी घर के कामकाज के बारे में तो समझ लीजिए कि हमारे घर में कोई राज दुलारी भी आ जाए तो हमारे बापू जी और माँ जी उसे कामकाज के चक्की में पीस कर ऐसे तरफ रख देंगे। क्यों गौरी? लो तुम खाओ। ये क्या है जी? सब बैठे हैं, जरा शर्म करो। शर्म? अरे शहर वालों से क्या शर्म, ये तो साहब लोगों की तरह हाथ में हाथ डाल के सड़कों पे घूमते, इसमें क्या है? लो खाओ ना। अच्छा मंगलू सेठ, एक बात बता। बोलिए बोलिए। आपके बड़े साले साहब तो करते हैं ठेकेदारी जी, और छोटे करते हैं तहसीलदारी जी। आप कौन सी जमादारी करते हैं साहब? अजी हम एक छोड़ के दो दो दारी करते हैं। बोलिए। एक तो जमींदारी, ठीक है, और फिर उसकी चौकीदारी, और ये इन दोनों पे वारी। और मंगल देव जी ये खा लीजिए सुपारी। यहाँ बैठो। हाँ माँ, तुमने खत में लिखा था कि घर के बारे में कुछ जरूरी बातें करनी है, अब हम सब इकट्ठे बैठे हैं, कहो क्या बात है? हाँ बेटा, खत में तो मैं कुछ लिख नहीं सकी, तुम तो जानते हो भैरव जी का कर्ज सूट के साथ 8 साल से बढ़ता जा रहा है, उन्होंने अब घर नीलाम करने की धमकी दी है, इधर 5 साल से गौरी के दहेज का कर्ज अभी बाकी है, पेंशन में हम किसी तरह गुजारा तो कर लेते हैं, आगे भी रूखी सुखी खाकर कर लेंगे, ये घर तुम तो जानते हो ये सिर्फ ईंट और मिट्टी का घर नहीं है, बल्कि बच्चों के हाथों बड़े प्यार और श्रद्धा से बना हुआ गुरु मंदिर है, अगर तुम कोशिश करके इसे बचाओगे तो प्यार की ये ज्योत दुनिया के बच्चों को हमेशा रोशनी दिखाती रहेगी। खुदा पहाड़ और निकला चूहा, मैं तो ये समझ के आया था कि यहाँ से जेब भारी करके जाऊंगा, यहाँ तो अपनी जेब खाली करने की नौबत आ गई। तो फिर क्या सोचा आपने? अरे इसमें सोचने की क्या बात है, मुझे तो जिस काम के लिए बापू ने भेजा है वो मैं जरूर करके जाऊंगा। ऐसा ना करो,
मेरे पापा बहुत गरीब आदमी हैं। गरीब है तो होने दो, मैं क्या कर सकता हूँ। ऐसा ना कीजिए। गौरी ये बड़ा अच्छा लगता है। नहीं नहीं, मुझे जो कुछ करना है वो मैं जरूर करूंगा। चलो मेरे साथ चलो। न जाने बुढ़ापे में बाबा को क्या हो गया है, ये घर न हुआ मुसीबत हो गई। मैं पूछता हूँ राधा आखिर इस मकान में क्या रखा है। नहीं, आपको ऐसा कहना शोभा नहीं देता। अगर ये घर नीलाम हो गया तो उनका जीवन कैसा बीतेगा। उन्हें जाकर बापू को समझाती हूँ। उन्होंने इतना भी नहीं सोचा कि जिस घर को वो नीलाम करा रहे हैं मैं उसी घर की बहू हूँ। नहीं नहीं राधा, मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। तुम्हें तो मालूम है कि वो किस स्वभाव के आदमी है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तुम फिक्र न करो, चलो रवि भैया से पूछ लेते हैं उनकी क्या राय है। चलो उठो कम ऑन। भैया आओ। गोपी तुमने क्या सोचा भैया? भाई मैं क्या सोच सकता हूँ जब तक कि मैं अपनी वाइफ और सास से मशवरा न कर लूँ। और यह भी हो सकता है कि जो मैं सोचूं उनको पसंद ना आए। नहीं नहीं भैया, कोई ना कोई तरकीब तो निकालनी ही पड़ेगी। तो फिर तुम ही कोई तरकीब निकालो, मेरा दिमाग तो काम नहीं करता। और रहा पैसे का सवाल, भैया जहाँ तक पैसे का सवाल है मैं भी बड़ा मजबूर हूँ। हाँ भैया एक रास्ता है। वो क्या? बाबूजी को मैं साथ लेके जाता हूँ। तो माँ को मैं ले जाता हूँ तो ठीक है। बेटा हम तो रवि गोपी की बात मान ही लेंगे, लेकिन इस घर का क्या होगा? घर की चिंता मत करो माँ, अगर नीलाम का वक्त आ जाएगा तो मैं खरीद लूंगा। इस वक्त हम लोग की बात मानो और हमारे साथ चलो। पांडु सामान गाड़ी में रख लो। अच्छा बाबा अब हमें आशीर्वाद दीजिए। माँ सदा सुखी रहो बेटी। चलो गौरी। बाबा देर हो रही है, चलिए। चलो गौरी। अच्छा माँ चलो आओ दादा। गदाधर जरा घर की देखभाल रखना। नहीं मास्टर अब मुझे आज्ञा दी। क्यों गदाधर? जब इस घर से इसकी आंख नहीं चली गई तो इन ईंट पत्थरों की क्या देखभाल करूंगा मास्टर जी। बाबा आइए ना। अच्छा सीधा बैठ जाओ बैठ जाओ। तुम भी अपना ख्याल रखना। बाबा जल्दी करो गाड़ी का वक्त हो गया। हाँ आए। सीता मैं जाऊं? चलिए बाबा। सुनिए 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 ये लीजिए आपको चश्मा, संभाल के रख। अच्छा सीता मैं जाऊं? बराबर चिट्ठी लिखना। राधा बेटिया अपने बाबा का ख्याल रखना। अच्छा माँ आप फिक्र न करना। विनू चलिए बाबा। राधा माँ सीता 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 ये शाल ले लो, रास्ते में ठंड होगी। नहीं नहीं आप रख लीजिए। मेरी चिंता न करो मैं गोपी से ले लूंगा। पिताजी गाड़ी छूट जाएगी। हाँ सीता मैं जाऊं? Thank you.
सुनो हम गीत विदा का गा रहे, दो दुखिया रे पंछी बिछड़े जा रहे। बहुत दिनों के साथी हाय जुदा होते, गुमसुम आँखड़ियों में आंसू आ रहे। पूछो कौन है ये क्यों रोते हैं, इस में ऐसे भी अभागे होते हैं, लुट गए फिर भी दिल का दर्द छिपा रहे, दुखिया रे पंछी बिछड़े जा रहे। आज सुनो हम गीत विदा का गा रहे, दो दुखिया रे पंछी बिछड़े जा रहे। मैंने कहा आज खाना कम पकाना, अनाज बहुत महंगा हो गया है, अभी मंगलू और गौरी भी तो नहीं आए। भक्ति छोड़ के झट दुनियादारी, पहले दुनियादारी फिर भक्ति, पैसा ही तो भगवान है। आ गया बेटा, बहू आ गई। आओ बेटा, जीते रहो जीते रहो जीते रहो। अच्छा जीती रहो जीती रहो। बहू घर में सब कुशल तो है? हाँ बाबू। अच्छा अच्छा, पार्वती बहू को जरा अंदर ले जाओ, जाओ बैठो बेटा बैठो। हाँ कहो कैसी रही? कुछ न पूछे बापू, मजा आ गया, बहुत मजा आ गया। अच्छा हाँ, अगली पिछली सब कसर मैंने निकाल ली। शाबाश शाबाश, कुछ चूचा तो की होगी उसने। चूचा? और मेरे सामने? बापू मैंने उसे एक लफ्ज नहीं कहने दिया। अच्छा हाँ, फिर क्या? मैंने कहा राम प्रसाद जी रुपया देते हो या नहीं। हाँ। बापू उसने ऐसा मुंह लटका दिया। हाँ। मैंने फिर पूछा राम प्रसाद रुपया देते हो या नहीं। हाँ। फिर भी वो चुप रहा। मैंने फिर पूछा अबे असली बात पर आ, असली बात पर। अच्छा। फिर क्या हुआ? फिर क्या होता? फिर मुझे गुस्सा आ गया। बापू आप तो जानते हैं मेरा गुस्सा बचपन से। मैंने आओ देखा न ताओ उस प्रणोट के टुकड़े टुकड़े कर दे। क्या कहा? प्रणोट फाड़ डाला। अरे नालायक ये तूने क्या किया? हाय हाय मेरा रुपया मेरा रुपया। आपका रुपया कैसे बापू? वो तो दहेज का था। ए चला कहाँ, कान खोल कर सुन ले। सुनता हूँ। जब तक दहेज का एक एक नया पैसा वसूल न हो जाए तेरा और गौरी का मिलना जुलना बंद बंद, खाना पीना बंद बंद, बातचीत बंद बल। अगर तुझे गौरी के साथ देखा। आया जी आया। तुझे किसने बुलाया? मैंने कहा आया। मैं समझा मन भाया। आया आया जी मालकिन जी, इधर आओ। आया ये लो तुम्हारी तनख्वाह, और कल से काम पर मत आना। क्यों मालकिन, कहा कसूर होगा? कसूर वसूर कुछ नहीं, अब इस घर में आया की जरूरत नहीं। रास्ता नापो। भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़ मत। भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़ मत। अच्छा तो आजकल आप बनाया करती है रसोई, तभी तो मैं कहूँ
अचानक इतना अच्छा खाना कैसे बनने लगा है? नहीं बहन, खाना तो मन भाया ही बनाया करता है, मैं तो यूं ही मिर्च मसाला देख लेती हूँ। समझी समझी, जरा इधर तो आ मन भाया। अभी आया। देखा माँ जी, ये सब दिखावे की राम राम है, हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और। जब से आप आई है इस घर के नसीब खुल गए हैं, वरना ये माँ बेटी तो बिना कुल्ला किए नाश्ता करने बैठ जाती थी। अरे राम 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 राम। मन भाया आया। अरे आया नहीं कम्बख्त, तू मन भाया तो अभी आया। इधर आओ, ये लो तुम्हारी तनख्वाह। 15 रुपया? नहीं तो और क्या, सारा काम तो करती है रवि की माँ और तू तो काटता है सिर्फ सब्जियाँ। दे दिए सो बहुत दिए, और कल से तुम्हारी छुट्टी। छुट्टी? 3 months नोटिस विद पे। शट अप, मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। गेट आउट। हाँ निकल जाओ, मरे बाहर निकल जाओ, चलो निकल जाओ। ठीक है मन भाया, अब तक समझ न पाया, राम जाने इस घर की माया। मन भाया? क्या मन भाया, मन भाया, मन भाया को बाहर का रास्ता दिखाया, फिर कहती हो मन भाया मन भाया। मन भाया चल दे मन भाया। डैडी डैडी, आज ये खाना मेरे दादी ने बनाया। देखा माँ जी, पद्मा खाना देखते ही समझती है कि आपके हाथों का बना। माँ तुम क्यों परोस रही हो, मन भाया कहाँ है? उसके घर से तार आया था, चला गया। और हाँ, सुबह आया ने भी कह दिया कि कल से वो काम पर नहीं आएगी, उसके घर कोई बीमार है। अजीब बात है, किसी के घर से तार आता है, किसी के घर कोई बीमार है। दूसरे नौकर का इंतजाम जल्दी होना चाहिए। अरे ऐसे भी क्या जल्दी है, घर का काम तो हो ही जाता है। नहीं माँ, मैं तुम्हें काम नहीं करने दूंगी, तुम्हारे तो आराम करने के दिन है। घर के काम में ही तो आराम है बेटी, फिर मेरा बेटा यहाँ, बहू यहाँ, पोते यहाँ, तुम सबको खिलाने पिलाने के सुख को मैं कैसे छोड़ दूं। तभी रवि कहता था खाना तो माँ के हाथ का। अच्छा लो। बस बस माँ। बस क्यों, और लो। अच्छा हुआ मन भाया चला गया, वो इतने प्यार से इन्हें कहाँ खिला सकता था। बिल्कुल ठीक है। चाय लीजिए। थैंक यू। पहले बताइए बाबूजी के लिए चश्मा लाए? अरे पहले चाय तो पीने दे, वो तो मैं कल ही लाया था लेकिन तुम्हें देना भूल गया। चलो चश्मा पहले। नहीं पहले चाय। चश्मा। चाय। चश्मा। अच्छा मैडम तुम जीती मैं हारा, मैं तुम्हें चश्मा देता हूँ, ये लीजिए मैडम चश्मा, ये लीजिए मिस्टर चाय। लेकिन देखो राजा, बाबूजी से कह देना इसको संभाल के रखे, अगर फिर से तोड़ेंगे तो मैं दूसरा नहीं लाऊंगा। हाँ इसमें बाबूजी का क्या कसूर है, आपका लाडला बिल्लू हमेशा चश्मे से खेलता है और तोड़ देता है। उसे माफ करना है। अरे विनू है कहाँ? विनू होगा स्कूल में। स्कूल में? अच्छा तो यहाँ प्रिंसिपल सर हो गया क्या? हाँ हाँ, जहाँ हमारे बाबूजी रहेंगे वहाँ स्कूल जरूर होगा। बताओ बच्चों ये क्या है? बाबूजी भला बताए तो मैं क्या लाई हूँ? मम्मी मैं बताऊँ? नहीं नहीं बच्चे लोग भाग जाओ, चलो 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 अब तुम्हें छुट्टी। बताए ना बाबूजी मैं क्या लाई? दिखाओ तो बताओ। अच्छा पहले आंखें बंद कीजिए। अच्छा 1 2 अब बाबूजी आपका खत आया। शायद रवि भैया का होगा,
आप हमेशा फिक्र करते थे। जरा पढ़िए तो क्या लिखा है। माँ जी तो अच्छे हैं, गीता बहन कैसे है, रवि क्या हाल है? पहले इन्हें चिट्ठी तो खोलने दो। क्या बात है बाबा, क्या लिखा है? घर नीलाम हो रहा है बेटा, घर नीलाम हो रहा है। जिस घर को मेरे बच्चों ने बनाया था वो घर नीलाम हो रहा है बेटा। आपने कहा था नीलाम का वक्त आएगा तो मैं उसे खरीद लूंगा, अब कुछ कीजिए ना। मैं क्या कर सकता हूँ राधा, अभी तो इस घर की भी रकम बाकी है। जैसे भी हो कुछ तो आपको करना ही चाहिए। तुम भी अजीब बात करती हो राधा, उस घर में रखा ही क्या है जो उस पर रकम खर्च की जाए। हाँ तुम ठीक कहते हो, उस घर में रखा ही क्या, उस घर में कुछ नहीं रखा, कुछ नहीं रखा। चौधरी न छोड़ना, सूद के साथ 5,000 वसूल होने चाहिए। 3,000, 3,001, 3,000, 3,002, 3,000। ओ कमला, मेरे देवता का मंदिर नीलाम हो रहा है। पहले मालूम तो कर लीजिए कि ये वही मकान का ही है कोई दूसरा है। नो नो कमला, आई एम करेक्ट। जिस घर को इन हाथों ने बनाया उसको कैसे भूल सकता हूँ। तो फिर इसे बचाने की कोई तरकीब कीजिए ना। इस वक्त मेरे पास इतना पैसा नहीं है। मेरी ये कहानी इस मकान से ज्यादा कीमती नहीं, इनको रखकर बोली छोड़ा लीजिए। कमला यू आर ग्रेट। ड्राइवर, 4,000, 4,000, 4,000, 5,000, 5,000। यारो मेरे साथ चलो, मैं नशे में हूँ। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? राम बोलेजाद, तूने मुझसे चक्कर लिए। जय भैरव, जय भैरव। तूने मुझे जेल भेजा, मेरे कुर्की कराई, मेरे चेरी कुर्की कराई। माँ, आई बेटा। आज खाने के लिए बड़ी देर कर दी बेटा। क्या करूं माँ, दफ्तर में बहुत काम था। तुमने खाना खा लिया? तू खा ले, मैं बाद में खाऊंगी। तू नहीं मानेगी। बेटा अपने बाबा को चिट्ठी पत्री लिखी कोई? दफ्तर के काम से फुर्सत ही नहीं मिलती माँ। अच्छा लिख दूंगा। हाँ
ये खाना है या दहर? क्या हुआ बेटा? हुआ मेरा सर, घर में जितना नमक था उतना छोड़ दिया। रवि, रवि, भूल से मैंने कहीं ज्यादा नमक तो नहीं डाला। इस घर से तो होटल अच्छा है, दिन भर जान मार के आओ और खाना ऐसा मिलता है जिसे कुत्ता भी ना खाए। क्या हुआ खाने में? जानती है नहीं, वो दाल बनी थी कि नमक का घोल? दाल तो मैंने भी खाई थी, बिल्कुल ठीक थी। और मेरी दाल में ज्यादा कौन डाल गया था, कोई भूत? भूत नहीं, चुड़ैल। डैडी, इस घर में एक बहुत बड़ी चुड़ैल है जो बने काम बिगाड़ देती है। चुप रवि, ये तो खा लो बेटा। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं पूछता हूँ मेरे खाने में ज्यादा नमक क्यों था? रवि, आपने सोचा होगा एक दो बार ऐसा करूंगी तो खाना पकाने से छुट्टी मिल जाएगी। ऐसा तक कहूँ बेटा? गीता, इसे पॉलिश क्यों नहीं किया? मैं तुम्हारी नौकरानी नहीं। चलो। ये क्या किया बेटा? तुम रहो जी, इस सारे झगड़े की जड़ तुम ही हो। बेटी, पोस्टमैन, सीता देवी। तेरे दादा की है, जरा पढ़ के तो सुना बेटी। सौभाग्यवती सीता देवी आशीर्वाद, यहाँ मई गोपी जिनो सब राज कुछ है। अरे जरा धीरे धीरे पढ़। अच्छा बाबा, बहुत दिनों से तुम्हारा कुशल समाचार नहीं आया, चिंता हो रही है। बहू रानी मेरी अच्छी तरह देखभाल करती है, पद्मा बिटिया को प्यार करना। रवि और बहू रानी को आशीर्वाद, विनू तुम्हें बहुत याद करता है, तुम्हारा राम प्रसाद। दादी, इसका जवाब आज ही भेज दो, दादा को बड़ी चिंता हो रही होगी। लेकिन पद्मा, मेरे पास तो लिफाफे के लिए भी पैसे नहीं। तुम चिट्ठी लिख दो, लिफाफा मैं ला देंगे। कलम, दवा, कागज डैडी के कमरे में रखे हैं, वहाँ से ले लेना। अच्छा मेरी बच्ची, तू जा। कम से कम चिट्ठी पत्री लिखा तो सीख ले। ये क्या हो रहा है माँ? माँ, तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? ये क्या क्या हुआ बेटा? मैं तो तेरे बाबा को चिट्ठी लिख रही थी। ये फाइल भी क्या कुछ चिट्ठी लिखने की चीज है? तूने तमाम मेरे जरूरी कागज फाड़ फूटा। ये तो तुम्हें जेल भिजवा कर रहेंगे। मुझे क्या मालूम था बेटी, जाहिलों से तो भगवान बचाए। भज गोविंद, क्या हुआ? हुआ क्या, पति देव को पत्र लिखा जा रहा था। और इस उम्र में? बज गोविंदम, बज गोविंदम। मुझे माफ कर दो बेटा,
अब मैं कभी इस कमरे में कदम नहीं रखूंगी, कभी नहीं रखूंगी। दादी दादी, अरे पापा, अरे तू रो रही हो, क्या हुआ? क्या हुआ दादी, बोलो ना। चिट्ठी नहीं लिखी? नहीं बेटी। क्यों? अच्छा लाओ मैं लिख के देती हूँ। अरे अरे, तुम्हारी माँ ने देखा तो गुस्सा करेगी। अरे दादी, ये काफी मेरी है, डैडी या मम्मी की नहीं। बोलो क्या लिखो। अच्छा लिख। पूज्य प्राणनाथ, आपकी चरण दासी सीता का प्रणाम। आपकी चिट्ठी मिली, मैं अच्छी तरह हूं, आप मेरी चिंता न करना। रवि और गीता मेरा बहुत ध्यान रखते हैं। नहीं दादी, मैं झूठ नहीं लिखूंगी। हाँ मम्मी और नानी तुमको कितना दुख देते हैं, अब तुम कहती हो ना। बिटिया ना, चिट्ठी में ये बातें नहीं लिखती। तेरे दादा पढ़ेंगे तो बहुत दुखी होंगे, मैं जो कहती हूँ सुन ले। हो मेरी चमक छल्लो, आओ आओ कर ले प्यार, चलो चलो। हल्लो हल्लो ओ मेरी चमक छल्लो, आओ आओ कर ले प्यार, चलो चलो। गोरी क्या गजब की मुलाकात है, क्या गजब की मुलाकात है। कम कम डार्लिंग नियर, डर लगे मोहे डियर। कम कम डार्लिंग नियर, डर लगे मोहे डियर। कम कम डार्लिंग नियर, डर लगे मोहे डियर। कोई देख लेगा जी तल्लो तल्लो। हल्लो हल्लो ओ मेरी चमक छल्लो, हल्लो हल्लो ओ मेरी चमक छल्लो, आओ आओ कर ले प्यार, चलो चलो। पास तो आओ ओ मेरी कट्टो, ये कैसी आदत है, हटो जी हटो। पास तो आओ ओ मेरी कट्टो, ये कैसी आदत है, हटो जी हटो। ओ मेरी जानी प्रेम दीवानी, भूल ना जाना ये है जवानी, जरा अखियां चार कर लो कर लो। हल्लो हल्लो ओ मेरी चमक छल्लो, हल्लो हल्लो ओ मेरी चमक छल्लो, आओ आओ कर ले प्यार, चलो चलो। भर आया है पानी, ओ पिया ये घड़ी बड़ी सुहानी। मेरे मुंह में भर आया है पानी, आई लव यू मेरी लैला। हो 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 हो, जुक जुक जिया मोरे छला। आई लव यू मेरी लैला, जुक जुक जिया मोरे छला। आई लव यू मेरी लैला, जुक जुक जिया मोरे छला। मेरे मन की मीत फुल्लो फल्लो। हल्लो हल्लो ओ मेरी चमक छल्लो, हल्लो हल्लो ओ मेरी चमक छल्लो, आओ आओ कर ले प्यार, चलो चलो। किसका टेलीफोन था? मम्मी, दादा से बात करने के लिए मैंने ट्रेन कॉल बुक किया था। किसने कहा था तुझे बुक करने के लिए? बिल कौन चुकाएगा? तेरा दादा या दादी? कभी लव लेटर लिखे जा रहे हैं, कभी टेलीफोन पे लव टॉक हो रही है। मैंने कहा इस उम्र में तो भगवान का नाम लो। फिर भगवान इंदम कौन करेगा नानी?
सुना नहीं तो दबान खींच लूंगी। अभी तो क्या मम्मी, इसकी दादी कुछ दिन तक और इस घर में रही तो ये हम सब के सर पर चढ़कर नाचेगी। नहीं तो क्या, जब से ये बला हमारे घर आई है हमारा सारा सुख चैन जाता रहा। अच्छा बहन, मैं चली जाती हूँ। बेटी मुझे गोपी के पास भेज दो। तो क्या बैंड बाजा मंगाए? बेटी मुझे रेल का किराया दे दो, मैं आज ही चली जाती हूँ। किराया विराया मेरे पास नहीं, जिसको जाना हो वो पैदल भी जा सकता है। नहीं तो कहीं से भीख मांग लो। अच्छा बहन, तुम नाराज मत हो, मैं पैदल ही चली जाती हूँ। चलाओ। हमें कहाँ लिए जाते हो भाई, इन्होंने कुछ नहीं किया, ये बिल्कुल निर्दोष है। चुप रहो, हवलदार ले चलो इन्हें। अरे ये तो अपना ही घर मालूम होता है। खामोश। चुप रहो, जाओ वहां जाओ। बैठ जाओ कुर्सी पर। लिखो, तुम ये घर कभी नहीं छोड़ोगे। क्या देख रहे हो? ओ, पेन नहीं? कैसे मास्टर हो। लो मेरा पेन, लिखो। क्यों जी, जानते हो इसमें स्याही कैसे भरते हैं? आपको मालूम नहीं, ऊपर से उतर भरी जाती है। हमारा वासु कमला, माँ ये आपकी बहू कमला है। बेटी। बेटा। मास्टर आप मेरे खातिर इन सबको क्षमा कर दीजिए। पिताजी हमसे बड़ी भूल हुई। आज अंधेरे में है।